वेलकम टू स्पीड अर्निंग डॉट कॉम। दोस्तों हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड, ये जो आईपीओ अभी अभी लिस्ट हुआ है इसके बारे में, इसका बिहेवियर कैसा। कई बार लोग डिमांड करते रहते हैं कि सर बोर्ड पे समझाइए किसी स्क्रिप्ट का या उसके चार्ट का टेक्निकल बिहेवियर कैसा है, वो आप जानना चाहते हैं। तो पहले मैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में बताऊँ कि 166 रुपीज का इशू प्राइस था, 166 में इसको अलर्ट किया गया। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स थी मार्केट में, उसकी वजह से ये काफी ओवर सब्सक्राइब हुआ। अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन होने की वजह से, क्योंकि अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट, तो प्रमोटर ने ओवर सब्सक्राइब किया, FII ने ओवर सब्सक्राइब किया, म्यूचुअल फंड ने ओवर सब्सक्राइब किया और रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी ओवर सब्सक्राइब किया, उसकी वजह से लिस्ट हुआ 111% ऊपर, 110% से ज्यादा ऊपर लिस्ट हुआ। लिस्ट होने के बाद किस तरीके से बिहेव किया इसने, ये 380 रुपीज के आसपास का हाई इसने उस दिन दिखा दिया, वहां से फिर थोड़ी सेलिंग आई। मतलब कोई भी स्टॉक जब लिस्ट होता है, अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट होता है, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स भी होंगे, इंस्टीट्यूशन भी होंगे, जिनकी प्लानिंग ये होगी कि इस पैसे को फ्री करके बाहर निकल जाएंगे। तो आने वाले 4-5 दिनों के अंदर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जिन लोगों को भी बेच देना है वो अपने स्टॉक बेच के बाहर आ जाते हैं, उसकी वजह से एक थोड़ी सेलिंग देखने को मिलती है। तो ये 348 आ गया था। अब 348 के लेवल पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता लग रहा है कि भाई मेरे डीमैट में आके रखा है शेयर, निकालना है क्या, तो उनको दिखता है 166 का शेयर 340 दिखे या 380 दिखे, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 100% ऊपर तो है ही। तो बहुत सारे लोग जो बेचने की बात करेंगे वो तेजी से बेच देंगे। इतने में बहुत सारे नए लोग होंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा, जिनको पता है कि इस कंपनी काफी अच्छी है, तो वो खरीदने की बात करेंगे। तो इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन का माहौल बना रहता है। तो एक बार 348 से 370 तक भी गया था FPS माइंड, लेकिन वहां टिक नहीं पाया, फिर से सेलिंग आ गई। जो लोग चूक गए थे ना, उन लोगों को एक बार फिर मौका मिल जाता है सेल करने का। सेलिंग के बाद चूंकि बाजार में भी गिरावट आ गई, तो ये 335 तक का लो इसने दिखा दिया और वहां पे पिछले 3-4 दिनों से वही रेंज में घूम रहा था, 335 से 345-48 के बीच में। तो वहां पे घूमता रहा और बाजार की बड़ी गिरावट के बाद, मतलब 11,600 की निफ्टी जब गिर के 10,800 का लेवल दिखा दी और उसके बाद बाजार में जब रिकवरी आई, तो FPS माइंड उतनी ही तेजी से भागा और ये सीधा 340 से एक ही दिन में 382 हो गया और 363 पे आके बंद हो रहा है। इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको डेली SIP भी सजेस्ट किए। डेली SIP क्यों किए कि कई बार लोग एंटर ही नहीं कर पा रहे। अब डेली SIP में क्या हो रहा था, सपोज किसी को लगा कि ये खुला है, चलो 10 शेयर ले लिए। अब 10 शेयर ले लिए ऊपर और वो एकदम तेजी से नीचे आ जाए, तो वो आपको इस बात के लिए पुश करेगा कि चलो 10-20 और ले लेते हैं, तो आप वहां पे ले लोगे, फिर वो ऊपर चला जाएगा, आपको ठीक लगेगा, आप बेच बेच नहीं रहे हैं पर चलो आपको ठीक लगेगा, फिर ये नीचे आएगा, आपको लगेगा चलो मौका मिल गया और ले लेते हैं। तो हर दिन अगर आपने ऐसे सोचा कि 10-10 शेयर खरीद रहे हैं, तो लगभग आप 3,000-3,500-4,000 की बाइंग कर रहे हैं। 50 दिनों में आपके पास 1.5-2 लाख रुपए का FPS माइंड इकट्ठा हो जाएगा। अब 50,000 से ज्यादा होने के बाद, मतलब 15 दिनों के बाद से आपकी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि किसी दिन इस तरह का उछाल दिखे, एक बड़ा उछाल 12%-13%, उस दिन आप अपनी एक 20%-30% क्वांटिटी खाली भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरा प्रॉफिट बुक करके फिर से नई SIP में अपना ध्यान लगा सकते हैं। मतलब इसी SIP में चलते रह रहे हैं, लेकिन एक बार का प्रॉफिट आया तो वो आपने या तो 30% या 70%, जैसा आपका एपेटाइट हो उस तरीके से बुक करके बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये बिहेवियर हम आपको बता रहे थे। अब इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आई, क्यों लोग चूक गए एंट्री करने से। जब आपको पता लगा कि 166 रुपीज का ये इश्यू प्राइस था और वो 350 रुपए में लेना है, तो 166 का डबल होता है 332, वहां पे आपको ये लगता है कि डबल से भी ज्यादा में कैसे खरीदें। अब आपको क्या गौर करना है कि जब सारे इंस्टीट्यूशन ने बाई किया है, म्यूचुअल फंड ने लिया है, FII ने लिया है, वो तो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका काम ही है स्टॉक मार्केट को स्टडी करके पैसा लगाना। प्रमोटर जो कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं,
उनको पता है कि ये कंपनी के शेयर अगर मिले हैं तो उनको होल्ड करके रखे हुए हैं वो, अगर यहाँ पे सेलिंग नहीं आ रही है, नीचे नहीं जा रहा है, तो फिर ये प्राइस डिस्कवरी हो जाती है कि यही इसका फिलहाल के लिए बॉटम है। रिसेंट बॉटम क्या हो गया, 330 के नीचे नहीं जा रहा है। अब अगर आप नीचे चुक गए हैं तो ये कर सकते हैं कि सामने जहां दिखे वहां एक छोटी क्वांटिटी खरीदी, आगे भी डिप आते रहेंगे, लेकिन डिप आने से पहले अगर उछाल आ गया तो आप उल्टे तरीके से फंस जाते हैं। जैसे किसी ने 380 का लेवल देखा, उनको लगा कि अरे यार ये तो भाग के ऊपर चला गया, मैंने तो मिस कर दी गाड़ी, तो उन्होंने 375 पे खरीद लिया। 375 पे खरीदने के बाद अगर वो 360 दिखाता है तो एकदम से पैनिक क्रिएट होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि थोड़ा सा लंबा पिक्चर देख के अपना ट्रेडिंग प्लान कीजिए, बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। जैसे हैप्पीएस्ट माइंड में पॉसिबिलिटी है, वही पॉसिबिलिटी रूट मोबाइल में आई। रूट मोबाइल ने तो बहुत ज्यादा परफॉर्म करके दिया है। रूट मोबाइल तो 360 रुपए का शेयर 750 पे लिस्ट होके अब 970 भी दिखा चुका है, और ये सब कुछ हो गया 4-5 दिनों के अंदर। अब आपके पास आगे दूसरे भी केमकॉन आ रहा है, एंजल ब्रोकिंग आ रहा है, तो जो जो भी नए इशू आ रहे हैं उनका ओवर सब्सक्रिप्शन रेट चेक कीजिएगा, उनके लिस्टिंग डेट पता कीजिए, और वहां से आप ये कहानी शुरू कर सकते हैं। हमारा आईपीओ स्ट्रेटेजी का कैप्सूल कोर्स था, जिन लोगों ने भी 900 रुपए 800 रुपए जो भी फीते देके किया था, उन सब ने अभी 10-10 गुना पैसा इस वजह से बना लिया है। तो दोस्तों ये समय अच्छा है जब आप सीख सकते हैं। हम लेडीज के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करती है, ऐसी स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग लेके आने वाले हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, आप देखिए स्टूडेंट्स के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं। आपके सभी के घर में स्टूडेंट्स होंगे, या हो सकता है आप ही स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आपको अपनी जिंदगी नेक्स्ट लेवल पे जीनी है, तो ये छोटी छोटी कोशिशें जो हम कह रहे हैं ना, दिन का 10 मिनट या 1 घंटा आपकी जिंदगी बदल सकता है। तैयार रहिएगा। हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में आपने जाना, आगे ऐसे ही रूट मोबाइल के बारे में भी हम जानेंगे, एंजल को भी और केमकॉन को भी हम उसका इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाएंगे। साल भर में अगर कोई ऐसा सोच ले कि जो अच्छे आईपीओ आ रहे हैं, लिस्ट हो रहे हैं, उन्हीं में मैं अपनी पोजीशन बना लेता हूं, तो साल का 30-40% का रिटर्न बड़े आराम से मेंटेन हो सकता है। जिंदगी भर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके चल सकते हैं। देखिए हमने कई सारी स्ट्रेटेजी बताई है, लेकिन आपको अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से प्रयोग करना, पहले तो एक्सपेरिमेंट करो और जो सुटेबल लगे उसको बड़े पैमाने पे कंटिन्यू करो। यही तरीका है मार्केट में काम करने का। हर चीज आप करें ये जरूरी नहीं है। कई लोगों को ट्रेनिंग में कंफ्यूजन हो रहा है कि सर हम ट्रेनिंग तो लेना चाहते हैं पर आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो हमको क्या सीखना चाहिए। तो मैं वहां पे बता दूं आपको कि आप सबसे पहले निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन का कोर्स ले लीजिए 5500 का, या फिर इंट्राडे का कोर्स लीजिए इक्विटी कैश का 5500 का, और उसके अलावा आप स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन का कोर्स ले सकते हैं। तो निफ्टी का कोर्स, फिर इंट्राडे, और नहीं तो ऑप्शन में काम करते हैं तो सीधा ऑप्शन का कोर्स, ये आपके लिए सबसे सुटेबल है। अगर आप सारी स्ट्रेटेजी जो अभी कैप्सूल कोर्सेज में आई थी, उसमें 17 स्ट्रेटेजी है, एक साथ अगर उस पैकेज को चाहते हैं, 10,000 रुपीज का पैकेज है, 1-1 घंटे की 17 स्ट्रेटेजी है, वो 17 स्ट्रेटेजी आपको साल में कम से कम 8-10 लाख रुपए कमाने की पूरा कॉन्फिडेंस दे सकती है, और सीधा स्ट्रेट बुल्स आई में काम हो रहा है। जो आपको करना है वही स्ट्रेटेजी को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। मार्केट के ऐसे हालत में अगर किसी ने इस चीज को सीखने की शुरुआत कर ली और एक स्ट्रेटेजी भी ढंग से देख के प्रैक्टिस कर ली, तो इतना तो मैं बोल सकता हूं कि आपने जो भी समय और पैसा सीखने के लिए इन्वेस्ट किया है, उसका कई गुना हो सकता है आने वाले 1 वीक में ही आपको मिल जाए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय। थैंक यू।